में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में आरटीडीसी प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजन किया गया। बैठक में 30 से अधिक होटल को एनएम के तहत दिया जाएगा। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर क्रू चलाने की योजना, ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने की योजना, साथ ही गोल्फ फोर्ट माउंट आबू में खोला जाएगा। प्लेन और व्हील्स को भी ओएनएम पर दिया जाएगा। साथ ही बैठक में बताया गया कि कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। चेयरमैन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आने के सवाल पर कहा है कि राजस्थान के 13 जिलों ईआरसीपी योजना के तहत पानी नहीं मिल पा रहा, पीएम मोदी ईआरसीपी योजना को जल्द से जल्द लागू करें। प्रधानमंत्री जी अजमेर आ रहे हैं और पुष्कर आ रहे हैं। मैंने कल भी अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वहाँ भी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मांग करी है। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अजमेर जो है वो 13 जिले जो ईआरसीपी से प्रभावित हैं, और मोदी जी पिछली बार भी जब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तब भी वो प्रधानमंत्री की हैसियत से अजमेर आए थे जयपुर में, और अजमेर में उन्होंने वादा किया था कि मैं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। वो वादा अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ है। अजमेर में पानी पीने की भी और सिंचाई की भी जबरदस्त किल्लत है। अजमेर में 72 घंटे से लेके और 72 घंटे से भी ज्यादा से पानी की समस्याएं हैं। रोज पानी की समस्याओं से अजमेर निवासी हमें ज्ञापन देते रहते हैं। मैं अजमेर जिले का रहने वाला हूं, गांव मेरा पुष्कर के पास में गांव है, मेरा दौरे बराबर वहां हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से आग्रह किया है कि आप अजमेर में पानी की समस्या, सिंचाई और पीने की वो दूर करने के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना